एजुकेशन की डिग्री लेने जा रहे हैं, तो एजुकेशन का मीनिंग तो सिलेबस में होगा ही ना। तो एजुकेशन के मीनिंग पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, जिसको पूछा जा सकता है अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। इसको दो भागों में इंडिया में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है इंडियन, INDIAN, इंडियन अप्रोच ऑफ एजुकेशन, इंडियन कंसेप्ट ऑफ, इंडियन डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। दूसरी है वेस्टर्न। नॉर्मली इस पर तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो डिस्कस द अप्रोच और कंसेप्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन या इंडियन थिंकर्स, इंडियन फिलोसोफर्स, दूसरा पूछा जाता है वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो ये तीसरा इसका हो सकता है, ये दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, जो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम ऐसे करेंगे कि पहले इंडियन एजुकेशन और फिर वेस्टर्न एजुकेशन का जो मीनिंग है वो समझेंगे। वेस्टर्न एजुकेशन का मीनिंग नहीं, वेस्टर्न थिंकर एजुकेशन को कैसे देखते हैं, इंडियन थिंकर्स एजुकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, वो लर्न करेंगे। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले इंट्रोडक्शन जो है एटिमोलॉजिकल मीडियम मीनिंग ऑफ एजुकेशन डिस्कस किए जाते हैं, जिसमें है शाब्दिक अर्थ, व्योत्पत्ति जो अर्थ है एजुकेशन में वो क्या किए जाते हैं, उसको भी दो भागों में मैंने बांटा है, आप भी बांट सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, तो आप नेचुरली है कि इंडियन लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस से जो एजुकेशन के मीनिंग निकलते हैं वो एज ए इंट्रोडक्शन डिस्कस करोगे, जिसमें मेन संस्कृत, हिंदी और बाकी मैं रीजनल मीनिंग के भी डिफरेंस करूंगा। आप जिस भी स्टेट के हो, तीसरा मीनिंग आप उस स्टेट का लेना है, बाकी को छोड़ देना है। तो ऐसे ही वेस्टर्न अप्रोच होगी, वेस्टर्न में इंग्लिश लेटिन जो रूट्स होंगी वहां से एजुकेशन कैसे निकला है वो लर्न करेंगे, जब वेस्टर्न मीनिंग हम देखेंगे एजुकेशन का। इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन के लिए इंट्रोडक्शन देंगे बहुत ही ब्रीफ, दो या तीन सेंटेंस। फर्स्ट होगा द इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन डीपली रूटेड इन, नंबर वन, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल और कल्चरल हेरिटेज। दूसरा, इट कवर्स डाइवर्स एंड होलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग। तीसरा, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एंशियंट ट्रेडिशंस। यहां तक बता के आप वर्बल भी बता सकते हो ये जो लिखा हुआ है, और इसके आगे को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम भी बना सकते हैं। हिंदी में है शिक्षा की भारतीय अवधारणा, इसकी ऐतिहासिक, दार्शनिक और संस्कृत, तीन पॉइंट, विरासत में गहराई से निहित है, इसमें सीखने के लिए एक विविध और समग्र, दो बातें हो गई, दृष्टिकोण शामिल है, यह गुरुकुल प्रणाली जैसी प्राचीन परंपराओं, वो प्राचीन परंपरा की बात कैसे करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, जिसको याद रखने के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, गुरु वापस याद रखने के लिए है, गुरुकुल वेदांता पर्सनलाइज्ड एंड स्पिरिचुअल, और हिंदी में गुरुकुल वेदांता निजीकृत एंड अधिक, और इसको डायग्राम को बनाएंगे एक सर्कल लगा के, बीच में लिखेंगे फिलोसॉफिक या एंशियंट कंसेप्ट, उसके सेंट्रल के गुरुकुल याद कैसे रखना है, गुरु वापिस, वी से वेदांता, पर्सनलाइज्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल और सेल्फ, और इसको दे देने हैं आपने दो तीन एरो ऐसे एग्जाम में इफेक्टिव बनाने के लिए, कि ये इंडियन ट्रेडिशनल या फिलोसॉफिकल या एंशियंट कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। मॉडर्न कंसेप्ट में एक लाइन लिखेंगे, मॉडर्न, इन मॉडर्न टाइम्स इट स्ट्रगल्स विद द चैलेंजेस रिलेटेड टू असेस, नंबर एक, इक्विटी, टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन, वाइल प्रिजर्विंग द कोर वैल्यू एंड रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज। आधुनिक अविधारणा में मूल मूल्य और ज्ञान के प्रति सम्मान को संरक्षित करते हुए पहुंच, समानता और प्रौद्योगिकी एकीकरण से संबंधित चुनौतियों से जूझता है ये कंसेप्ट। ये जो है हमारी 2020 की पॉलिसी तक हम पहुंच जाएंगे, इसका भी डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम टू, मॉडर्न इंडियन कंसेप्ट, इंक्लूसिव, टेक्नोलॉजिकल, प्रोग्रेसिव एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। हिंदी में आप ये शब्द वहां से लिख लेना, हिंदी में भी याद रखने के लिए आप लिख सकते हो गुरुवाणियां इसकी जगह पर, इसके लिए भी मॉडर्न कंसेप्ट के लिए भी एक सर्कल लगाएंगे, इसको याद रखने के लिए लिखेंगे एम टिप, हिंदी में लिखेंगे वापिस, एम से मल्टी डिसिप्लिनरी, से टेक्नोलॉजिकल,
बी से प्रोग्रेसिव। शब्दों की बात करने लगे तो पूरा एक घंटा लग जाएगा। मिड में लिखना है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, यहां एरो दे देना है नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। मॉडर्न कंसेप्ट में आप साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी की भी बात कर सकते हो, करेक्टर बिल्डिंग की भी बात कर सकते हो, इन दोनों को प्लस करके छोटा डायग्राम भी बना सकते हो। इस इंट्रोडक्टरी पैरे के बाद आप मेन जो आंसर है इस क्वेश्चन का उसको दो भागों में बांट सकते हो। हेडिंग दोगे इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट एटिमोलॉजिकल मीनिंग शाब्दिक अर्थ, दूसरा होगा डेफिनेशंस बाय इंडियन थिंकर्स और फिलोसोफर्स और एजुकेशनिस्ट्स। इटिमोलॉजिकल मीनिंग में करेंगे कि इंडिया की लैंग्वेज किस किस से, जैसे संस्कृत, हिंदी या आपकी रीजनल लैंग्वेज से एजुकेशन कंसेप्ट कैसे निकला है, और यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस। इंडियन कंसेप्ट को एजुकेशन के को डिस्कस करने के लिए ये टेबल है जो इंडियन लैंग्वेजेस में से ये शब्द कैसे निकला है, मैंने टेबल बनाया है। जरूरी नहीं है आप एग्जाम में टेबल ही बनाओगे, आप इसको डाउनवर्ड, जैसे ये किस भाषा में से निकला, संस्कृत में से, वर्ड कौन सा है, शिक्षा है ना, तो इसके जो मीनिंग क्या है, किस शब्द से निकला है, शिक्ष शब्द से है ना, शिक्ष शब्द का मतलब क्या है, टू टीच और टू एजुकेट। हिंदी में शिक्ष शब्द का अर्थ है सिखाना या शिक्षित करना, तो सिखाना या टीच करने की अगर एक्सप्लेनेशन करनी है इसको फोकस करो और सिखाना को फोकस करो, और ये वर्ड दिए गए हैं, यहां एक्सप्लेन किए गए हैं, नॉलेज एंड स्किल एक्विजिशन, ज्ञान और कौशल का अधिग्रहण करने पर जोर देता है फर्स्ट मीनिंग। दूसरा शाब्दिक अर्थ भी संस्कृत भाषा से है, वर्ड क्या है, पहले शिक्षा था, यहां विद्या है ना, यहां गुरु नानक देव जी की बात कर सकते हैं, विद्या विचारी ता परोपकारी, और कोई कोटेशन भी आप दे सकते हो। तो ये किस धातु से निकला है, विद से, इंग्लिश में VID यहां लिख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, टू नो और टू अंडरस्टैंड। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जब हम पढ़ते हैं, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में फर्स्ट नॉलेज और सेकंड अंडरस्टैंडिंग आता है ना, तो ये मीनिंग बन रहे हैं यहां पर शाब्दिक अर्थ के। हिंदी में विद लिख के इसका अर्थ जानना या समझना ये बताया जाएगा, पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात करती है, एक्सटर्नल एंड मटेरियल वर्ल्ड की बात करती है, लेकिन इंडियन डेफिनेशन मटेरियल डेफिनेशन नहीं रहेगी, आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, ये डेफिनेशन स्पिरिचुअल बन जाती है। इट मींस ये शाब्दिक अर्थ बाहरी ज्ञान के साथ साथ स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज को भी जानने और समझने की बात करती है। तीसरा शाब्दिक अर्थ एजुकेशन का है हिंदी भाषा से, शब्द कौन सा है, अध्ययन करना, जो अध्याय से निकला है और जिसका मतलब है टू स्टडी, टू रीड। ये स्टडी टू रीड हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम से आप जोड़ सकते हो, आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अध्याय का अर्थ है अध्ययन करना, और ये फोकस किस पर कर रहा है, एजुकेशनल एक्टिविटी पर, एंगेजिंग स्टूडेंट इन एजुकेशनल एक्टिविटी, अध्ययन करने के और शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल होने पर जोर देती है। क्यों? क्योंकि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हमने कुछ ना कुछ स्टडी करना होता है, तो वो स्टडी मोस्टली हम रीडिंग करके ही करते हैं। तो ये नैरो मीनिंग है। आगे आप अपनी रीजनल लैंग्वेज की बात कर सकते हो, सभी जनों ने सभी भाषा की बात नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बंगाली भाषा है जो शिक्षा शब्द से ही निकला है, और इसका मतलब भी लर्निंग एंड टीचिंग ही है, गेनिंग नॉलेज एंड स्किल्स। तमिल भाषा में ये वर्ड किससे निकला है, कालवी से, कालवी का मतलब है फिर वही एजुकेशन एंड लर्निंग, फॉर्मल स्कूलिंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट थ्रू एक्वायरिंग नॉलेज। तेलुगु भाषा में वही विद्या, वर से विजडम, ऐसे भी जोड़ सकते समझ सकते हैं। कन्नड़ भाषा में भी विद्या, और विद्या को फिर आप इंटेलेक्चुअल विजडम उससे जोड़ सकते हो, यहाँ बौद्धिक विकास की खोज शामिल है। मराठी भाषा से शब्द शिक्षण है, शिक्षण मीन टीचिंग, इसमें औपचारिक शिक्षा के साथ साथ सभी तरह की इनफॉर्मल, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शामिल है। मलयालम में विद्या फिर आ गया, विद्या का वी फिर आप विजडम से जोड़ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग से जोड़ लीजिए,
गुजराती में शिक्षण वही एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल, पंजाबी विच सिक्ख्या जो जिस विच फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल हर तरह की सिक्ख्या जिहड़ी सैल्फ इंप्रूवमेंट लई शामिल होवे उसनू शामिल किया जाता है। तो भारतीय भाषा में एजुकेशन का मतलब ज्ञान बुद्धिमत्ता और आत्मबोध की खोज पर जोर देता है। एक बात समझ लो, अगर आप पंजाब से बीएड कर रहे हो तो आपको संस्कृत वाला मीनिंग देना है, हिंदी वाला मीनिंग देना है और पंजाबी अपनी रीजनल भाषा वाला देना है, बाकी मीनिंग नहीं देने। अगर आप बंगाल के हो तो आपने संस्कृत का मीनिंग देना है जो डिस्कस किया है, हिंदी वाले मीनिंग देने हैं और बंगाली वाला देना है, बाकी पंजाबी और तमिल बाकी भाषा वाले नहीं देने। ऐसे ही जिस स्टेट के हो तीसरी वो भाषा चुननी है, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। अब आपका मेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है। मेन क्वेश्चन का हेडिंग आपने बड़ा करके देना है, डेफिनेशन बाय इंडियन थिंकर। इसको और वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं कि इंडियन दार्शनिक, थिंकर्स, एजुकेशनिस्ट, शिक्षा शास्त्र, उसको मैंने एक सिस्टेमेटिकली अरेंज किया है तो वो लर्न करने के लिए बहुत आसान होगी। वो लर्न करने की स्ट्रेटजी आपको नेक्स्ट वीडियो जो इसके नीचे लिंक दिया गया है 2-4 मिनट की होगी, उससे आपको ऐसे चुटकी बजाते ही याद हो जाएगा। अब आपने याद क्या क्या करना है, मैंने 3 या 4 भागों में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले जो मेन थिंकर है, फिलोसफर, एजुकेशनिस्ट, उसका नाम दिया है। दूसरा साथ में ब्रैकेट में दिया है कि उसका डेफिनेशन का सेंट्रल आइडिया क्या है। अगर आपने कुछ भी याद नहीं करना, थिंकर और ये इसका नाम जो सेंट्रल आइडिया है उसको याद कर लेना है। हिंदी में भी साथ दिया गया है, जैसे गांधी और समग्र विकास, साथ में उनकी ओरिजिनल डेफिनेशन दी गई है। नॉर्मली जो अच्छे बच्चे हैं, लर्न करना चाहते, टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं, वो ये 3 बातें, गांधी, होलिस्टिक एजुकेशन और उसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन क्रैम करनी पड़ती है, दैट इज व्हाई मैं डेफिनेशन में से मेन वर्ड अंडरलाइन करूंगा, वो मेन वर्ड यही सेंट्रल आइडिया ही नॉर्मली होगा। तो सबसे पहले गांधी जी की डेफिनेशन रखी गई है, बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट, इसको भी कहा जा सकता। गांधी जी की डेफिनेशन को इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बेस्ट डेफिनेशन में आपके सिलेबस में माना जाता है और इसकी एक्सप्लेनेशन होती है। इस पर डिफरेंट वीडियो होगा जिसमें हम एक एक वर्ड का पॉइंट बना देंगे। तो यहां पर है ऑल ऑन ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, यहां पर हैश है बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। टीईटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज वाई ये परिभाषा आपको लर्न कर लेनी ही चाहिए। हिंदी में शिक्षा में मेरा तात्पर्य है बच्चे और मनुष्य, मीन बच्चा भी है मनुष्य भी है, सभी की बात आ गई, शरीर मन और आत्मा सभी आस्पेक्ट आ गए, में सर्वश्रेष्ठ को सर्वांगीण के रूप में सामने लाना है। तो मैं याद कैसे रखता हूं, मैं महात्मा शब्द साथ में जोड़ के मैन माइंड बॉडी एंड स्पिरिट इसको इतना याद कर लेता हूं। तो ये 3 पार्ट क्या हुए, मेन थिंकर, उनका सेंट्रल आइडिया और डेफिनेशन, ये नहीं छोड़ने। हाँ, कोई अधिक करना चाहता है, लंबा क्वेश्चन करना है तो उसकी एक्सप्लेनेशन यहां पर दी गई है, उसमें कुछ एम्फेसाइज करना है तो कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल वैल्यूज पर जोर दिया गया है। लेकिन ये गांधी जी की डेफिनेशन की एग्जांपल देनी है तो आप वर्ड याद सिर्फ ये रखोगे, नई तलीम या बेसिक एजुकेशन, जो क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन थी। टीईटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें मैनुअल लेबर, एकेडमिक एजुकेशन एंड करेक्टर डेवलपमेंट तीनों इकट्ठे साथ साथ में चलते हैं। तो मैंने याद कैसे रखा, गांधी, महात्मा गांधी, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, नई तलीम और बेसिक एजुकेशन, ये वर्ड याद रखे बस। नेक्स्ट डेफिनेशन है उपनिषद। उपनिषद का एस मैंने उठाया इंग्लिश वालों ने, और स्पिरिचुअल लिबरेशन इसका सेंट्रल आइडिया है। ये डेफिनेशन क्या है, एजुकेशन इज लिबरेशन, सभी याद रख सकते हैं। हिंदी में उपनिषद का ऊ उठाया, ऊ का अ से मैच करता है, और आध्यात्मिक मुक्ति, वैसे भी उपनिषद के मीनिंग स्पिरिचुअल लिबरेशन यही बनते हैं, इससे भी याद रखा जा सकता है, शिक्षा मुक्ति के लिए है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि व्यक्ति को अज्ञानता और संसारिक लगाव से मुक्ति हो, वर्डली अटैचमेंट और इग्नोरेंस से फ्रीडम। उपनिषद की डेफिनेशन की एग्जाम्पल क्या है कि भारत के डिफरेंट एरियाज में जो आश्रम बने हैं वहां पर मेडिटेशन करवाई जाती है फॉर लिबरेशन। अबुल कलाम आजाद, मेन वर्ड को थिंकर को पकड़ लेना है और डेफिनेशन के मेन वर्ड को पकड़ लेना है। यहां सोशल चेंज लिखा है, वैसे है
सोशल रेवोल्यूशन या रेवोल्यूशन इन सोसाइटी। आज़ादी कैसे मिलती है अपनी थिंकिंग में देखिए, बिना रेवोल्यूशन के मिली है, हमें नहीं मिली। तो रेवोल्यूशन इन सोसाइटी एजुकेशन का मीनिंग उन्होंने बताया है आज़ाद जी ने, आज़ादी रेवोल्यूशन के बिना नहीं मिलती, ये याद रखने का तरीका हो गया। हिंदी में है, दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है, सामाजिक क्रांति। और इंडियन एग्जाम्पल है कि इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल किया गया उसमें एजुकेशन ने इम्पॉर्टेंस रोल अदा किया, अवेयरनेस मोबिलाइजेशन ऑफ मास फॉर द फ्रीडम मूवमेंट। नेक्स्ट है राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेंट्रल होलिस्टिक डेवलपमेंट, इनकी सेकंड डेफिनेशन भी होगी आगे, अरेंज ऐसे किया है कि हम याद रख सकते हैं, वो सेकंड वीडियो में पता चलेगा। तो याद रखने के लिए राधा को रख सकते हैं, राधा के दिल की बात से जोड़ सकते हैं, कृष्ण जी को आप थिंकिंग से जोड़ सकते हैं। सो हमेशा के लिए याद रहेगा, राधा दिल की बात, कृष्ण दिमाग की बात, दोनों मिल गए कंप्लीट। शिक्षा दिमाग को सोचने और दिल को महसूस करने का प्रशिक्षण है। तो ये डेफिनेशन भावनात्मक और बुद्धिआत्मक आस्पेक्ट पर जोर देती है। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती, मैंने जानबूझ के सरस्वती साथ में रखा क्योंकि सरस्वती के आर से मुझे रहा डेफिनेशन याद करने में हेल्प हुई। एजुकेशन इज आर से रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, आत्म साक्षात्कार, सेंट्रल आइडिया, शिक्षा स्वयं का बोध है, स से स्वयं का बोध, हिंदी वाले ऐसे याद रख सकते। मीन्स ये डेफिनेशन व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप और जिंदगी के उद्देश्य की खोज करने के लिए कहती है। इसकी भारतीय उदाहरण क्या है, वेदांत की शिक्षाएं और आत्म जांच, टीचिंग्स ऑफ वेदांता एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ इंक्वायरी, ये उनकी दूसरी डेफिनेशन है। इसको याद करना है तो भी आप दयानंद सरस्वती लिखोगे, लेकिन आई पर फोकस कर जाओगे, इल्यूमिनेशन ऑफ माइंड विद इन The light of knowledge, ये education की definition। Central idea, ज्ञान का अधिग्रहण, acquisition of knowledge। शिक्षा ज्ञान के प्रकाश से मन को प्रकाशित करना है। तो ये पहली definition से भी match कर रही है। तो इनकी best example गुरुकुल education है। गुरुकुल शिक्षा की परंपरा, यहाँ छात्र ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने शिक्षकों के साथ रहते थे। इन पर अवधारणा की उदाहरण है, ये स्पष्ट है आपको। नेक्स्ट है और बिंदो घोष, और बिंदो के डी को से मैंने याद रखा है, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टिंग डिवाइन, ये रखा, यहां अरबिंदो आ गया, यहां डिवाइन पोटेंशियल, इतना याद रखा, विद इन ईच इंडिविजुअल। अगर आप इतना भी याद रख लेते हैं तो एग्जाम में आपका बहुत अच्छा काम हो जाता है, लेकिन जब टीईटी में पूछा जाता है तो भी सेंट्रल आइडिया ऐसे ही याद रख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये डेफिनेशन किसकी है। तो हिंदी में अरबिंदो दिव्य क्षमता अभिव्यक्ति, क्या हमने याद रखा, और बिंदो डिवाइन पोटेंशियल मैनिफेस्टेशन, सेंट्रल आइडिया। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल अरावली में अरबिंदो के जो इंटेग्रल एजुकेशन सिस्टम के आश्रम है वहां पर यही प्रैक्टिस करवाई जाती है। आंतरिक दिव्यता का एहसास कराने पर, मेडिटेशन पर, और उसकी जो प्रैक्टिस है, कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली टू सोसाइटी, समाज को पॉजिटिव योगदान देना। ये दूसरी डेफिनेशन है राधा कृष्ण जी की। अगर आपको पहले वाली इजी लगती है, राधा से दिल को याद किया था, कृष्ण जी से थिंकिंग को याद किया था, तो वो भी याद रख सकते हैं। अदरवाइज आप कृष्णन के एस से सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन, सेंट्रल आइडिया ये ले सकते हो। एजुकेशन इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर oneself for life of service, central idea वही रहेगा, service and contribution to society। शिक्षा समाज में सेवा और योगदान के जीवन के लिए खुद को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है। इट मीन्स इन्होंने स्किल्स एंड वैल्यूज पर जोर दिया है, कौशल और मूल्यों पर जोर दिया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर दिया है। अब कृष्णा मूर्ति आ गया, यहां पर हम कंफ्यूज हो, वहां राधा और कृष्ण से याद किया था, यहां कृष्णा मूर्ति है, कृष्ण जी की मूर्ति, लेकिन इनका पूरा नाम क्या था, जिड्डू कृष्णा मूर्ति। आप जिड्डू के डबल डी आ रहा है, इससे भी डिस्कवर याद कर सकते हो, और कृष्णा के पहले भी एस था, यहां भी सेल्फ डिस्कवरी। एजुकेशन इज द डिस्कवरी ऑफ वन्स ओन इनसाइट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस, या मूर्ति की आई से इनसाइट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस, ये याद रख सकते हो। अंतर्दृष्टि, समझ और बुद्धिमत्ता की खोज है एजुकेशन।
सेंट्रल आइडिया इसका भी वही है, आत्म खोज पर और आत्म जागरूकता पर जोर दे रही है ये डेफिनेशन। यूजीसी नेट में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इस डेफिनेशन के एग्जांपल दे रहे हैं। टीचिंग्स ऑफ कृष्णमूर्ति हैव इन्फ्लुएंस्ड द वेरियस अल्टरनेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में भी आप पढ़ोगे, इन इंडिया सच एज वैली स्कूल इन बेंगलोर, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, टीटी में भी पूछा जाता है, विच प्रायोरिटाइज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टिविज्म की अप्रोच है, ये थिंकर विवेकानंद और ये थिंकर महात्मा गांधी ये सिलेबस में होते हैं, एंड सेल्फ डिस्कवरी। ऐसे भी याद रख सकते हो, कृष्ण जी की मूर्ति जो बेंगलोर में वैली स्कूल के रूप में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बेंगलोर वैली स्कूल जो स्वयं निर्देशित शिक्षा आत्म खोज पर जोर देती है। कौटिल्या इंपॉर्टेंट है, कौटिल्या इसलिए मुझे अब तक याद है, इंपॉर्टेंट है, इनके कौटिल्या के नाम से ही के से और के की ध्वनि से मैंने इंग्लिश का वर्ड COUNT, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं वो आपने ठीक कर लेने हैं, कंट्री लिख लिया, तो कंट्री से प्रेम इनकी डेफिनेशन का, पेट्रियोटिज्म देश प्रेम राष्ट्र प्रेम इसका सेंट्रल आइडिया है। एजुकेशन मीन्स द ट्रेनिंग ऑफ कंट्री एंड लव फॉर नेशन, शिक्षा का अर्थ देश का प्रशिक्षण और राष्ट्र प्रेम है, सो देशभक्ति इसका सेंट्रल आइडिया है। गुरुकुल को इसकी एग्जाम्पल के रूप में दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, अच्छा ये जो आप स्टार वगैरह देख रहे हो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इजी करने के लिए सब कुछ है। शंकराचार्य, एस को हमने लिया एस और सेल्फ रियलाइजेशन ये याद कर लिया, एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, इतनी बात है। जो डेफिनेशन सेल्फ सेल्फ वाली इकट्ठी होती हैं उनको इकट्ठे भी याद कर सकते हो, अगर दो डेफिनेशन कंफ्यूज करती है तो एक डेफिनेशन को उड़ा दो जो इंटरफेयर करता है लाइफ के एम में को अचीव करने के लिए, कुछ भी इंटरफेयर करता है उसको उड़ा दो, उसको परे कर दो। तो शंकराचार्य इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अद्वैत वेदांता की फिलॉसफी इन्होंने दी है, जो इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव फिलॉसफी है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अद्वैत दो नहीं है, परमात्मा एक है, सच दो नहीं है एक है, सच कभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकता, सेल्फ से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकता। शंकराचार्य स्वयं का बोध इतना याद रखना है, आत्म साक्षात्कार जो भी शब्द याद रहता है वो रख सकते हो आप, एमएड में आप शंकराचार्य की फिलॉसफी अद्वैत वेदांता पढ़ोगे। नेक्स्ट टैगोर, सेंट्रल आइडिया प्रॉब्लम सॉल्विंग है, याद रखने का, टैगो और से रोड याद रह गया, रोड लीडिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ अवर प्रॉब्लम, इस समस्या समाधान, हमारी सभी समस्याओं का समाधान की ओर ले जाने वाला सबसे चौड़ी सड़क शिक्षा। इट मीन्स इनकी डेफिनेशन सामाजिक इश्यूज जो हैं उन पर भी जोर दे रही है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो मॉडर्न वेदांतिस्ट थे उनकी डेफिनेशन है, द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मेयरली गिव द इंफॉर्मेशन, इट मीन्स सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन नहीं है, बट मेक्स अवर लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस, दिस इज द सेंट्रल ऑफ टैगोर्स डेफिनेशन। उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल जानकारी नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। तो ये भी होलिस्टिक व्यू हो गया, सेंट्रल आइडिया इसका सॉल्व करना शिक्षा का एक पर्पज है। तो इनकी बेस्ट एग्जांपल जहां टैगोर है वहां शांति निकेतन, इसको नहीं आप भूल सकते, पहले एक स्कूल की स्थापना की थी पूरे नेचर में था, तो धीरे धीरे वो जो है अब यूनिवर्स, क्या रखा, टैगोर रोड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग और शांति निकेतन। ये अरबिंदो की दूसरी डेफिनेशन है, रेपिटेशन है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, अगर याद रखनी है तो रख भी सकते हो, याद रखने का तरीका अरबिंदो की डिवाइन डी से पोटेंशियल। नेक्स्ट है राजगोपालचारी, इनको याद रखेंगे, चारी से एथिकल, ई से एथिकल वैल्यूज, अगर और तरीका रखना है हिंदी में आचारी से सदाचार, सदाचारक को वैल्यूज बोला जाता है ना, तो याद रखने का एसोसिएशन का ये तरीका है। एजुकेशन शुड इंस्टिल मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज इन इंडिविजुअल गाइडिंग देम टू मेक एथिकल चॉइसेस, नैतिक मूल्य, सदाचारक, आप नैतिक लिखा है ना, यहां सदाचारक लिख सकते हो, सदाचारक से चार गोपालचारी से जुड़।
जैसे कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ते हैं, वहां भी डिसीजन लेना होता है, गुड क्या है, बैड क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इनकी डेफिनेशन पर भी सही निर्णय डिसीजन लेने के लिए सक्षम बना। पानी को याद रखने के लिए, पानी जैसे याद रहता है, पानी नेचर का होता है और एन भी नेचर का है, नेचुरल ट्रेनिंग, ये नेचुरल ट्रेनिंग, पानी नेचुरल ट्रेनिंग। ह्यूमन एजुकेशन मीन्स द ट्रेनिंग विच वन गेट्स फ्रॉम नेचर, ट्रेनिंग एंड नेचर दो वर्ड है ना, ये सेंट्रल आइडिया आ गया। तो प्रकृति प्रशिक्षण है हिंदी में पाणिनी का, प से प्रकृति, प से पाणिनी प्रकृति, ये इसे प से प्रशिक्षण याद रख सकते हैं। मानव शिक्षा का अर्थ प्रशिक्षण जो व्यक्ति प्रकृति से, देखिए ये प्रकृति की बात सिर्फ पाणिनी ने ही की है, जैसे देशभक्ति की बात किसने की, कौटिल्या ने, कंट्री। तो यहाँ आप ट्रेडिशनल इंडियन जो मेडिसिन है, आयुर्वेदा है, आयुर्वेद की बात कर सकते हो, वो नेचर से ही सब कुछ हम निकालते हैं ना। पारंपरिक चिकित्सा वास्तुशास्त्र की बात कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है यजनावल्का, ये दो वर्ड डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन यजना से, यजनावल्का से जब भी मैंने याद किया था मुझे तब का याद, यजना से यूजफुलनेस, ये याद रख सकते हो। अच्छा, हिंदी में भी यजनावल्का शिक्षा वह है जो मनुष्य को अच्छे चरित्र वाला और समाज के लिए उपयोगी बने। तो सेंट्रल आइडिया गुड करेक्टर एंड यूजफुलनेस, यजना से यूजफुलनेस और वल्का से करेक्टर, ये ध्वनि से जोड़ के। तो यजनावल्क्य की फिलॉसफी है, यहाँ डिटेल में आप बताओगे नहीं, ये पढ़ सकते हो। जहाँ पर ब्रह्म विद्या की बात कर सकते हो, धर्मा की बात कर सकते हो, अगर एक्सप्लेनेशन देनी है, गुरु डिसिप्लिन की बात कर सकते हो, आत्मा की, वैराग्य की, मेडिटेशन की, ये बातें हो सकती हैं। लास्ट है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 48, जो कमीशन बैठा था उस कमीशन की रिपोर्ट में ये डेफिनेशन है, जिसका सेंट्रल आइडिया होलिस्टिक एजुकेशन है। पहली याद रखना महात्मा गांधी की थी होलिस्टिक एजुकेशन, वो भी थी, है ना, माइंड बॉडी एंड सोल, महात्मा गांधी, और ये भी होलिस्टिक, ये सबसे लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, दैट इज वाई ये मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, जो ब्रीफ वाली वीडियो बनाऊंगा उसमें इसका ब्रीफ करके दे दूंगा। एजुकेशन एट इट्स बेस्ट इज कंसर्न विद द फुलेस्ट एंड रिचेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, अवेकनिंग एंड एनरिचिंग ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड द एस्थेटिक एंड द मॉरल फैकल्टीज एंड द कल्टीवेशन ऑफ सेंसेस ऑफ वोकेशन एंड द पर्पज ऑफ लाइफ। अच्छा, इसको याद रखने के लिए, आगे वाली बेशक मत याद कीजिए, तो एक याद रखने के लिए कंसर्न फुल याद रख लिया, दूसरा फुलेस्ट डेवलपमेंट याद रख लिया, है ना, तीसरा रख लिया के अवेकनिंग, है ना, नेक्स्ट हो गया, बाकी सारे एस्पेक्ट गिना दो, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, मॉरल, सेंसेस, बस इतने वर्ड याद रख के आप ये डेफिनेशन अपने शब्दों में लिख दीजिए। हिंदी में भी देख रही हैं आप, देख सकते हो, सर्वोत्तम रूप में व्यक्ति का पूर्ण और समृद्ध विकास, है ना, समृद्ध, अब योजनाएं भी ऐसी चल रही हैं, बौद्धिक, सौंदर्य, नैतिक, ये हिंदी में ज्यादा आसान होगी, समृद्ध विकास, बौद्धिक, सौंदर्य, नैतिक क्षमताओं को जागृत और सर्वधन और व्यवसाय की भावना और जीवन के उद्देश्यों की खेती से संबंधित है, है ना। तो यहां तक आप याद रख सकते हो, बाकी की जरूरत नहीं है, ये बात कर देनी है कि ये होलिस्टिक डेफिनेशन की बात कर रही है। विवेकानंद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीईटी यूजीसी नेट में रिपीटेडली पूछा जाता है, इनकी डेफिनेशन है एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन, वो वर्ड रेड किया है जिसके बेस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डेफिनेशन विवेकानंद जी की है, क्योंकि परफेक्शन शब्द किसी और थिंकर ने नहीं यूज किया, दैट इज वाई सेंट्रल आइडिया इसका है मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन या मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। तो विवेकानंद जी को याद करने के लिए, इनकी डेफिनेशन को याद करने के लिए आपने विवेकानंद लिख के स्वामी पीछे लिख लेना है, स्वामी का एम जो है उसको उठा लेना है और उससे मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन और दूसरा एम से मैन मेकिंग, मैन मेकिंग, ये इनकी द एंड ऑफ ऑल एजुकेशन ऑल ट्रेनिंग शुड बी मैन मेकिंग, ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली पूछा जाता है कि एजुकेशन एज मैन मेकिंग किसने कहा था। हम हिंदी या पंजाबी में कहते हैं ना बंदा बन जा बंदा, इंसान बनाना है, इंसान की बॉडी में से एनिमल को परे करके इंसान
बाहर लेके आना है। हिंदी में डेफिनेशन का मतलब है मनुष्य में पहले से विद्यमान दिव्य पूर्णता, दिव्य पूर्णता आप याद रखोगे। दूसरा है हिंदी में मनुष्य निर्माण। आपको पता है मनुष्य और एनिमल में फर्क क्या है? अभी देख, ये क्या हो गया। आप आंसर दोगे ये मनुष्य है, ये एनिमल है। नहीं, ये एनिमल का शरीर है, ये एनिमल का शरीर है। इसमें से बिहेवियर क्या निकलता है? ये संभव है कि ये मनुष्य एक एनिमल से डाउन वाला काम कर सकता है, उसके बराबर वाला काम कर सकता है, उससे ऊपर वाला काम, सबसे ऊपर वाला, संत भी बन सकता है। कोई भी एनिमल रेप नहीं करता, अपने बच्चे को लड़की होने के कारण पेट में ही किल नहीं करता, जितनी जरूरत है उतनी खाता है बस, इतना इकट्ठा नहीं करता। तो एजुकेशन का मीनिंग स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा मनुष्य का निर्माण करना है। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कोट कर सकते हैं क्योंकि एजुकेशन इज इन, ये कोटेशन है, एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट नेशनल पॉलिसी में एजुकेशन के है। हिंदी में है पूर्ण मानव क्षमता, एक समानता पूर्ण उचित समाज, राष्ट्रीय विकास। ओवरऑल इंडियन जो डेफिनेशंस है उनका कंक्लूजन क्या है? डाइवर्स डेफिनेशन एजुकेशन फ्रॉम इंडियन फिलोसफर्स एंड कमीशंस हाईलाइट द मल्टीफेसेटेड नेचर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, एम्फेसाइजिंग, किस पर जोर दे रही है ये बात याद रखनी है, सेल्फ रियलाइजेशन पर। मैक्सिमम डेफिनेशन ये आई है, विजडम, दूसरा सर्विस, होलिस्टिक डेवलपमेंट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन या सोशल चेंज, मॉरल वैल्यूज एंड रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल इंटेग्रल। यहां पर साथ में आप देश प्रेम और नेचर की बात भी वो कर सकते हैं। हिंदी में भी ये है, भारतीय दार्शनिकों को ये नहीं याद रखना, सिर्फ आत्म प्राप्ति, ज्ञान, सेवा, समग्र विकास, सामाजिक परिवर्तन, नैतिक मूल्य और व्यक्तिगत क्षमताओं पर जोर है। अच्छा, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जो सेंट्रल आइडिया जो आपको उतले वर्ड याद थे वही यहां पर रिपीट कर देने हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को याद ऐसे चुटकी में कैसे करना है, नीचे लिंक दिया गया हो वो उसमें होगा, और वेस्टर्न कंसेप्ट करेंगे उसको भी कैसे याद करना है। इसके अलावा एक और वीडियो होगा कि इंडियन कंसेप्ट पर टेट में, यूजीसी नेट या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन पर भी वीडियो नीचे होगा, लिंक आप देख सकते हो।